मैं इस धरती को प्रणाम करती हूँ और उसके बाद रॉबिन की माँ को प्रणाम करती हूँ। वो उनके माँ के संस्कार हैं, इस भूमि के संस्कार हैं और भारतवर्ष के संस्कार हैं। आज बापूजी का दिन है, गांधी का 2 अक्टूबर उनका जन्म था। उनका विवाह कस्तूर से हुआ, जो भी 13 वर्ष की थी, दोनों 1 वर्ष के थे। तो जब हम गांधी की वंदना कभी पूरी नहीं हो सकती जब तक कस्तूर की विवंदना न हो, और आज कस्तूरबा ग्राम के यहाँ बहनों ने हिस्सा लिया, इसलिए इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव हुआ। यहाँ कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जो नहीं आया। मैं तो एकदम से, आप कहते महात्मा गांधी की पोती, तो मैं आपसे एक विनयपूर्वक कहती हूँ कि मुझे महात्मा गांधी की पोती न कहें, मैं तो मोहनदास करमचंद गांधी की बायोलॉजिकल पोती हूँ। महात्मा गांधी तो आप सबके हैं। उस महात्मा जो शब्द है उसको लेने का मेरा कोई अधिकार नहीं। जितना आप सबका है उतना ही शायद हो सकता है, लेकिन आज यहाँ आके इस सूर्योदय की जगह में कहने को बहुत कुछ है। कल मैंने बात की थी रॉबिन से, उसके पहले मैंने रेहान भाई से भी बात की, फिर आज AGP साहब आए और उसमें अर्चना जी से भी उस दिन हुई बात हुई। तो बहुत सी बातें कहने को होती हैं, लेकिन जब बोलने का मौका आता है तब समझ नहीं आता कि हम कहाँ कहें। बापूजी का जीवन तो आध्यात्मिक था, लेकिन उनका जो कार्य था वो रचनात्मक कार्य था। उस रचनात्मक कार्य के बिना वो आध्यात्मिकता में नहीं रहते थे, और वह रचनात्मक कार्य पकड़ा है रॉबिन ने। और उनकी जब सहायता सब आप लोगों ने की है, तो उससे मेरा विश्वास दृढ़ हो गया है कि हमारे देश में अभी आशा की किरण बहुत है। गांधी संस्थाएं हम बनाते हैं, उसे गांधी संस्था कहते हैं, लेकिन एक बात रॉबिन ने अच्छी कही करी है कि इसको गांधी संस्था कह के नाम नहीं दिया, क्योंकि गांधी ने अपना नाम किसी संस्था को नहीं दिया था। गांधी का मतलब है सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, साहस, निर्भयता, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं दिया। फिर भी हमारे उनके नाम से सब कुछ चल गया है, तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन यह एक जो संस्था है वो पूरा देश को बनाना है ऐसा ही। और ये एक अजीब समय से हम से गुजर रहे हैं, खासकर यहाँ जीरो में। शून्य जब कहती हूँ तो एक आध्यात्मिकता का विचार आता है, बहुत ही गहराई है इस शब्द में, शून्य में। शून्य को भरना है तो सिर्फ क्षमा से, प्रेम से, दोस्ती से भर सकते हैं। मैं आप सबसे दोस्ती का पैगाम लेके आई हूँ, आप सबसे मुझे दोस्ती का संदेश मिल रहा है। रचनात्मक कार्य द्वारा हमें कितने इसके कितने सारे आयाम को इन्होंने जोड़ा है आज। कहाँ लाइब्रेरी, कहाँ बच्चे, कहाँ मरीजों की सेवा, कहाँ जिसे कहते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप, उसमें इन्होंने कहीं कोई कमी नहीं रखी है। और कहाँ किसने सोचा था कि अरुणाचल में एक छोटी सी जगह जीरो कहलाती है या हापुली कहलाती है, वहाँ पे इन्होंने अपने घर को, जब से मुझे मिले कि मैं अपने घर को गांधी का, अपने घर को मैं महात्मा गांधी का बनाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता था कि कैसे होगा इनका घर, कैसे बनेगा, लेकिन मैं आपके साथ हूँ और जब होगा तो मैं ज़रूर आऊँगी। वो इतना बड़ा हो गया, सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि हम लोग बहुत हैं, हम लोग बहुत हैं क्योंकि एक एक आदमी करोड़ों का प्रतिनिधित्व कर रहा है यहाँ।
और आप लोगों का जो जो हिम श्रृंखला की जो नारी शक्ति है, जो मातृशक्ति है, जैसे गांधी ने कहा, हमेशा समझा है कि सृष्टि में सबसे बड़ी शक्ति मातृशक्ति है, और वो माँ की शक्ति हर पुरुष में, हर महिला में, हर जीव में है। और अगर उसका थोड़ा भी अंश हम अगर दूसरे को दे सकें तो फिर हिंसा का स्थान नहीं रहता है। यहाँ अपने हस्तशिल्प को, हैंडीक्राफ्ट को आगे बढ़ाए, ये बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है इसका प्रचार दुनिया भर में होना चाहिए, हमें और जाना चाहिए, हमें अस्पतालों में, हॉस्पिटल में जाना चाहिए, हमें जेलों में जाना चाहिए, और सब जगह जोड़ना चाहिए इसको। और हम तो भरे दिल से आए हैं, और मेरे मन में बहुत चल रहा है कि इसको कैसे मदद कर सकते हैं। इसके अलावा हम गांधी संग्रहालय में डॉक्टर अन्नामलय जो बहुत ही प्रबुद्ध हैं, उनकी सहायता से हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं। म्यूजियम में फोटोज हैं, सब कुछ है, लेकिन आगे हम रचनात्मक कार्य में कैसे जुड़ें, लेकिन अपनी आध्यात्मिक राह को भूले बिना। आज इतने विभाजन हो चुके हैं, कौन किस धर्म का है, कौन कहाँ का है, हर जगह, लेकिन फिर भी सब जगह एक प्रेम का भाव इतना गहरा है कि हम लोग फिर भी जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि जो अरुणाचल है वो एक खाली कागज जैसा है जिसे हम अभी रंगों से भर सकते हैं, और वह प्यार के रंगों से भरेंगे, क्योंकि बाकी सब गंदे रंगों से भर गए हैं। अरुणाचल अभी बिल्कुल पवित्र है, शून्य है। इस शून्य को हम भरेंगे प्रेम से, दोस्ती से, और दोस्ती के पैगाम से। आसपास आपके बिल्कुल, आप दूसरे देशों की सीमाओं से जुड़े हैं, कितनी बड़ी जगह में आप हैं, हमारे देश के पूर्वोत्तर में हैं। अभी किसी से बात कर रही थी मेरे साथ, तो डॉक्टर अन्नामलय तो हमें, हमारे लीडर हैं, हमें लाए हैं, रॉबिन ने मुझे बुलाया है। आप सब भाइयों का प्रेम मिला मुझे, भाई बहनों का, इनकी माँ का आशीर्वाद मिला, और मेरे साथ बहुत उत्साह से तामिल की बहन आई है, सेल्वी जी खड़ी हो जाइए, इन्होंने बहुत सालों से, कुछ सालों में बहुत अच्छी हिंदी सीख ली है। और मेरे साथ मेरा बेटा, जिसे मैं बेटा कहती हूँ, वो बेटा हमेशा खून का रिश्ता नहीं होता है, आत्मा का रिश्ता होता है। तो मेरे बेटा सौरव आए हैं, उनके बिना ये संभव नहीं होता। शुरू से आखिर तक सौरव ने रॉबिन्स के साथ संपर्क में रहे, और इधर क्या करना चाहिए सब देखा। कल रॉबिन मुझे बता रहे थे, हमने ये किया है, हमने ये किया, हमने ये किया, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने किया, और उन्होंने आप लोगों को प्रेरित किया। सबसे बड़ी गांधी की ताकत थी कि वो दूसरों को प्रेरित किया, जो रॉबिन कर रहे हैं, और इसमें इनकी जो मातृशक्ति है धरती की, उसका आशीर्वाद है। जब गांधी गुजरे थे तो गांधी ने एक कुछ दुखी इंसान थे, क्योंकि अंग्रेजों से जो हमें आज़ादी मिली वो राजनीति की आज़ादी थी। हमारी अपनी अन्याय तो हम रहा, उधर से हम कहाँ आज़ाद हुए। हमारी आज़ादी की लड़ाई यहाँ से शुरू होगी रॉबिन, शून्य से। हमें हमारे जुल्मों के खिलाफ लड़ाई करनी है। गांधी का सपनों का भारत वह था। अंग्रेजों छोड़ के चले गए तो 15 अगस्त को हमें उन्हें बधाई देनी चाहिए कि आप लोग अपने जुल्म से आज़ाद हो गए, लेकिन हम अपने जुल्मों में जकड़ गए। हमें हमारी आज़ादी की लड़ाई शुरू करनी है आज यहाँ से। वह है गांधी के सर्वोदय का सपना। रॉबिन ने बहुत अच्छा उस दिन कहा कि अंधेरे से डरना नहीं, एक दिया जलाओ, एक दिया जलाना है।
और वो दिया हर हमारे अंदर है। रॉबिन कह रहे थे आप अपने बापूजी के साथ की बातें बताएं, तो थोड़ा बताऊंगी क्योंकि कई बात हो गए हैं, सबने छोटा ही बोला लेकिन हर एक को हक था बोलने का, और भी बोलते। मैं आपको कुछ बताऊंगी कि मैं 14 वर्ष की उम्र तक बापूजी के साथ थी अपनी आयु के, और वह मेरे बहुत बड़ा एक दिव्य आशीर्वाद था कि उस समय बापूजी उत्तर भारत में अधिक थे और मेरे पिताजी को अपने साथ रखते थे, तो हम भी मिलते थे। तो एक वर्ष की उम्र से बापूजी और बा को कभी जेल में मिलने जाते थे, कभी रेलवे प्लेटफॉर्म में मिलने जाते थे, तो कभी कहीं जाते थे। मेरे पिताजी को बापूजी ने भेजा तमिलनाडु, वहाँ जाओ हिंदी सिखाओ, लेकिन हिंदी सीखोगे उसके बदले तमिल सीख के आओगे। बापूजी हमेशा ऐसी चुनौती देते थे कि किसी के लिए सहज नहीं होता था, लेकिन उनके साथ रहना, बापूजी के साथ एक रोमांच था। टेलीविजन की जरूरत नहीं थी, कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं थी, हम बहुत खुश थे। फिर बापूजी मुझे कहते थे तुमने कोई नया शब्द सीखा है क्या, तमिल का या बंगला का, और मैं बापूजी की उस उम्र में बापूजी को खुश करने के लिए कहती थी हाँ सीख लिया, हालांकि सीखा नहीं होता था। और बापूजी के साथ तुमने आज चले, तुम थोड़ा चलना चाहिए। और बापूजी जो थे दूसरे दादाओं जैसे नहीं थे, ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ना मेरे पिताजी वैसे थे। सब दादा नाना सब अपने बचपन की बात बताते हैं अपने पोते पोतियों को, लेकिन बापूजी ने कभी पिछली बातें हमसे नहीं करी। एक तरह से बापूजी मैं कहूँगी ही वॉज अ मैन ऑफ द मोमेंट। उस समय जो ज़रूरी होती थी वह बात करते थे, वो पीछे की बात नहीं करते थे। बेशक चंपारण से आए हों, लेकिन मेरे से कहते थे कि तुम्हारा लेखन ठीक करो, तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं। मुझे याद है बापूजी आगा खां पैलेस से छूट के आए, उनका अंतिम जेल था जहां उन्होंने अपना सबसे बड़ा संगी खो दिया कस्तूरबा को। लेकिन बापूजी आए, उस समय कुछ रेडियो नहीं था, कोई प्रचार नहीं था, सब मैं जानती हूँ। उस समय मैं 12 साल की थी जब बापूजी गुजरे, जब 14 साल की थी, तो कितने लीडर लोग भागते हुए पता नहीं किस जेल से आए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बापूजी में पूरी दृढ़ता थी। मैंने देखा था कैसे लॉर्ड माउंटबेटन आते थे, मेरे स्कूल के बगल में ठहरे थे बापूजी, वो जगह वाल्मीकि आश्रम कहलाती है। उस समय उसका बहुत गलत नाम था, जो मुझे आज उसका उच्चारण करते हुए भी शर्म आती है, हमारे समाज पर, हमारी भाषा पर, जिसे हम कहते हैं भंगी कॉलोनी। जो हमारा कूड़ा उठाते हैं वो तो सफाई वाले हैं, कूड़े वाले तो हम हैं, लेकिन उधर बापूजी ठहरे थे मेरे स्कूल के पास। और बापूजी के पास जब जाती थी तो बापूजी ने कहा तुम्हारे स्कूल में मैं चलूँगा, तुम्हारे लॉन में। तो मैं भागते अपने प्रिंसिपल से गई, प्रिंसिपल ने कहा, दरवाज़ा खोल दिया मेरे, एक दरवाज़ा था फाटक, शाम को बापूजी के साथ टहलो। वहाँ नेहरू आते थे, मौलाना आज़ाद आते थे, बादशाह खान आते थे। और एक बार उन्हीं ज़माने में मुझे पता नहीं शिमला में या कहाँ मैंने मोहम्मद अली जिन्ना को भी देखा। तो मुझे याद है कि मोहम्मद अली जिन्ना में एक डर था कि भाई इतने आकर्षक व्यक्ति कहीं मुझे जीत न ले, क्योंकि मेरी सच्चाई अपनी है, उनकी अपनी है। ये अपने में धीर थे, वो अपने में धीर थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल यूरोप का पोशाक बहुत अच्छा सिला हुआ पहना था, और गांधी ने वही अपने किसान के कपड़े पहने थे। दोनों अपनी सच्चाई में थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना में कुछ डर का भाव था कि ये आदमी कहीं मुझे मोह ना ले, मैं कहीं उसके उसके आकर्षण में दम ना जाऊं, कुछ वह मुझे लगा। लेकिन उस ज़माने में एक बात थी कि सब कुछ देने की वो जो भावना थी वो मैंने आज देखी। जैसे आप लोग सबने कहा हम इधर देंगे, यहाँ करेंगे, वो बच्चा छोटा कूलर लेके आया, और इस तरह से बापूजी उस समय हंस के भी बोलते थे। मैंने एक बार बापूजी को चिट्ठी लिखी थी तो बापूजी ने मुझे वापस लिखा, तुम्हारा अक्षर मिला, तुम्हारा पत्र मिला, कहना होगा कि तुम्हारे अक्षर बहुत बुरे हैं।
तुम अपने अक्षर सुधारो, लिखना सीखो और मुझे पत्र लिखते रहो। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने वो चिट्ठी फाड़ दी। और मेरी सहेलियों ने पूछा, बापूजी ने क्या लिखा? मैंने कहा, बापूजी ने मुझे बहुत अच्छा कुछ लिखा है, फिर फाड़ दी। अगर होता तो अच्छा रहता, इस म्यूजियम को मैं दे देती वो चिट्ठी। और ऐसे बापूजी के साथ मेरी बहुत कहानियां हैं, शायद आज इतना समय नहीं है। बापूजी के पास बैठते हुए एक एहसास होता था कि हम एक सात्विक इंसान के पास बैठे हैं, जहाँ जबान की या बोली की या भाषा की आवश्यकता नहीं होती थी। साइलेंस में, बिना शब्दों में एक ध्वनि होती है जो बापूजी से मिलती थी। बापूजी के कमरे में दरवाज़ा खुला रखते थे, कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता था। लोग भागते हुए आते थे और बापूजी से कहते थे, मिस्टर गांधी, आई डोंट एग्री विथ यू। और वो दुश्मन की तरह आते थे, बैठते थे और बापूजी के पास से जब जाते थे तो हंसते हुए दोस्त बन के जाते थे। बापूजी बदलते नहीं थे और शायद वो भी नहीं बदलते थे, लेकिन दोस्त बन के जाते थे। तो आज इस संस्था द्वारा दोस्ती का पैगाम दुनिया भर में हम ले जाएंगे, और रचनात्मक कार्य द्वारा, सिर्फ बैठ के ध्यान देने से नहीं, रचनात्मक कार्य द्वारा बापूजी की वो मोहक हंसी, बापूजी की सफाई और बापूजी का आसपास में कम सामान रखना। इधर मैं आपको बताऊंगी, अपने परिवार की बात करते हुए कुछ अजीब लगता है, लेकिन आप भी परिवार ही है मेरा, इसलिए कर रही हूँ कि मेरे नाना राजगोपालाचार्य बापूजी से कम नहीं थे। बापूजी ने उन्हें कहा कि राजगोपालाचार्य इज द कस्टोडियन ऑफ माई कॉन्शंस, मेरे जमीर के रक्षक हैं राजगोपालाचार्य। हालांकि राजगोपालाचार्य उनको माई मास्टर कहके कहते थे, लेकिन हमेशा बापूजी हर बात में राजा जी की सलाह लेते थे। बापूजी के जाने के बाद मैंने देखा था, पंडित नेहरू जैसे दौड़ के आते थे राजा जी से सलाह लेने, अब करना चाहिए क्या चाहिए। जब दिल्ली राजा जी आते थे, पंडित नेहरू अपना दिन शुरू करते थे राजा जी को सुन के। लेकिन मैं फिर बापूजी की बात करती हूँ। जब बापूजी गुजरे तो एक दुखी इंसान थे। पाकिस्तान इंडिया बंटवारा हुआ, फिर उन्होंने हमारे ही नेताओं में बहुत लालच देखा। उन्होंने देखा देश कैसे अंदर से गुलाम हो रहा है, हम अंदर से कैसे अभी आज़ाद नहीं हुए, कितनी हमारे में कट्टरपना है। बापूजी सब कुछ देख के बापूजी घबराए थे, दुखी थे। बापूजी को एक नया आंदोलन शुरू करना था, सर्वोदय का। वह सूर्योदय से होगा, अरुणाचल से होगा, यहाँ से होगा। और इस प्रण से, इस दोस्ती के पैगाम से मैं सोचती हूँ कि मैं ये संदेश आप लोगों ने जो मुझे दिया है वो लेके जाऊँगी। मैं यहाँ कुछ देने नहीं आई हूँ, आप लोगों से सब कुछ लेने आई हूँ। जब कभी मैंने किसी को कहा कि अरुणाचल जा रही हूँ, तो सबने अरुणाचल अरुणाचल, सही में ये रास्ता बहुत आसान नहीं है, और मेरी उम्र के लिए शायद और मेरी आदतों के कारण उतना नहीं, फिर भी मेरे लिए जितनी सुविधा हो सकी उतना सब कुछ किया गया। और एक चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ यहाँ के ज़ीरो के निवासियों से, कि जो हमें इतने सुंदर सर्किट हाउस में रखा है, वहाँ से कई बार जब हम खाने को निकलते हैं तो हम सब बत्तियों को बंद करना भूल जाते हैं, वो गलत है। जब हम कमरों से निकलते हैं तो बत्ती ज़रूर बंद करें। तो मैं क्षमा चाहती हूँ अपनी ओर से और अपने सहायिका की ओर से और सौरभ की ओर से भी। हमें उस समय ये तो लगता है कि बापू जी के लिए भाषण दे रहे हैं, लेकिन हम पीछे क्यों नहीं देख रहे हैं कि हम ये बत्ती हमारी अरुणाचल की खर्च हो रही है। तो उसके लिए मैं क्षमा ये भी चाहती हूँ, ये मेरी भूल हुई है। यहाँ पे आप लोगों से इतना प्यार मिला, इतनी चीज़ें, इतने तोहफे मिले, वो सब तोहफे मैं कोई भी छोड़ के नहीं जाऊँगी, सब ले जाऊँगी।
बापूजी को जब याद करें, बच्चों को मैं खासकर कहती हूँ कि बच्चे जब बापूजी को याद करिए तो उनकी हंसी को याद करिए, वो कैसे दौड़ते थे, कैसे चलते थे। आखिर में वो भिक्षु की तरह उनका खाना होता था, लकड़ी के कटोरे में लकड़ी की चम्मच से वो शायद दो बार थोड़ा सा कुछ खाते थे। और बहुत दुबले थे, उन्होंने संयम से, क्योंकि वो ऋषि थे, राजा जी भी ऋषि थे, इसलिए कई बार बापूजी और ऋषि की तुलना में, अभी एक फ्रेंच जर्नलिस्ट ने मेरे से इंटरव्यू लिया, वो काफ़ी दिलचस्प रहा मेरे लिए, क्योंकि उन दोनों में इतनी समानता थी। उस जमाने का जो था वही आज दोबारा एक तरह से सबको जोड़ने का काम मोदी जी अवश्य कर रहे हैं। लेकिन बापूजी की लड़ाई नागरिक की लड़ाई थी, आप याद रखें, वो पावर की लड़ाई नहीं थी। मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया को जोड़ा, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री होके किया, लेकिन हमारा काम है नागरिक होके हम क्या करें। गांधी की लड़ाई नागरिक की थी और हमारी लड़ाई भी नागरिक की होगी, अहिंसा के लिए, हिंसा के खिलाफ, तभी मोदी सक्षम होंगे। मोदी का अर्थ है राजनीति पावर, पावर कुछ नहीं कर सकती जब तक नागरिक मदद न करें। मोदी जी कितनी भी प्रतिज्ञा कर ले, हम ये करेंगे, लेकिन जब तक हम नहीं साथ देंगे वो कैसे करेंगे। सरकार को दोष देना सबसे आसान काम है। अब भारत में भारत की सरकार है, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर हम नागरिक मेरे जैसे कमरे में बत्ती जलती हुई छोड़ के निकल जाएं तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, बिजली कहाँ से आएगी। मैं ये कहती हूँ कि आप नागरिक की लड़ाई में अहिंसा के लिए, हिंसा के खिलाफ हम साथ रहें। इसमें आज कितने महान हमारे दिग्गज लोग हैं, जैसे इतने इंडिगो के और दूसरे उनके जो पदाधिकारी हैं, फिर जामिया मिलिया के हैं। जामिया मिलिया के से मेरा बहुत लगाव है, क्योंकि मेरे पिताजी को मेरे दादा ने वहाँ भेजा था कि तू वहाँ जाके हिंदी सिखाएगा, लेकिन उर्दू सीख के आएगा। तो हम लोग बचपन से ही हमने सब भाषाओं को देखा, आसाम से हम बहुत जुड़े रहे। लेकिन आज मैं सच कहूँगी, मैं बापूजी को थोड़ा मैंने हरा दिया, बहुत खुश हूँ। बापूजी यहाँ नहीं आ पाए, मैं तो आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। और बापूजी अगर अभी आएंगे तो मेरा एक सवाल होगा कि विकास का क्या अर्थ है। विकास का अर्थ क्या सिर्फ गंदी गंदी मंजिलें बना देना, हरियाली को हटा देना। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप यहाँ जब विकास लाएं तो सिर्फ बड़ी बड़ी ऐसी मंजिलें न बनाएं जो भद्दी हों। यहाँ का वास्तु एक है, यहाँ कॉटेजेस बनने की सुंदर कला है, यहाँ हरियाली को बचाते हुए कॉटेजेस बनाएं जो जो दुनिया के स्विट्जरलैंड को हरा दे। और उसमें क्योंकि हमारे लोग हैं, हमारे में उतना दिमाग है, हमारे में उतनी ताकत है, इतनी हमारे में प्रतिभा है, हम कर सकते हैं। तो हम विकास का अर्थ देश को सिखाएं। विकास ज़रूर हुआ है, उसी के कारण मैं उड़ के आई हूँ। विकास के कारण आज इतने जो कैमरा वाले ले गए, दुनिया भर में हमारी बात जाएगी। लेकिन जब तक हमारा विचार नहीं बदलेंगे, जब तक हमारा मेंटल एवोल्यूशन नहीं होगा, हमारे विचारों का जब तक उन्नति विकास नहीं होगा, तब तक सच्चा विकास नहीं हो सकता। दुनिया में कितनी भी तेज़ी से आप चंद्रयान भेजें, सूरज भेजें, लेकिन जितनी तेज़ी से मन जाता है उतनी तेज़ी से कोई चीज़ नहीं जाती। और जितनी तेज़ी से जो मन में जो प्यार होता है वो शब्दों में बयान नहीं होता। तो मैं मन से, दिल से, आत्मा से आपको प्रणाम करती हूँ। इतना भी बोली हूँ लेकिन मैं अपनी खामोशी में आपके साथ हूँ। नमस्कार।